नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष तिवारी। तो आज जिस तरीके से विजय बहुड़ा ने झंडा बुलंद किया तमाम विद्युत परियोजनाओं को चलाए रखने का, उससे साफ हो गया है कि गंगा की पावर को भी अब वो समझने लगे हैं उत्तराखंड के लिहाज से। तो यकीनन आज गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की बैठक थी। एक बेहद अहम बैठक थी, उत्तराखंड के लिहाज से भी ये बैठक बेहद अहम थी, क्योंकि इसमें तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुड़ा भी शामिल हुए। और उसके बाद आज बैठक में जिस तरीके से विजय बहुड़ा ने उत्तराखंड में चल रही तमाम विद्युत परियोजनाओं की हिमायत की है, उनकी वकालत की है, उनको बंद करने का विरोध किया है, वो अपने आप में साफ करता है कि वाकई में विजय बहुड़ा भी समझते हैं कि गंगा का पावर क्या है और विद्युत परियोजनाओं का कितना मतलब है यहाँ की जनता के लिए, बेरोजगारी को दूर करने के लिए, उत्तराखंड के जो तमाम नौजवान हैं उनको रोजगार देने के लिए। इस तमाम मुद्दे पर बातचीत आज हम करेंगे। हमारे साथ होंगे हमारे दो बेहद खास अतिथि, हमारे साथ होंगे, उनसे आपका तारुफ करा दूं। सबसे पहले मेरे बाएं बैठे हैं धीरेन शर्मा, हैं वैज्ञानिक, हैं इनसे हम बातचीत करेंगे तमाम मुद्दों पर, वैज्ञानिक राय लेंगे। इसके साथ साथ जय सिंह रावत जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और गंगा से जुड़े मुद्दों पर हमेशा से इनकी लेखनी चलती रही है। इनसे भी आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 में। तो इनसे बातचीत हमारी होगी, लेकिन सबसे पहले अपने दर्शकों को हम दिखाते हैं कि आज जो बैठक हुई उसका लबोलुआब आज क्या निकला है, किस तरीके से विजय बहुड़ा ने अपनी बात रखी, उन तमाम मुख्यमंत्रियों के सामने अपनी वो वकालत की है जो तमाम उत्तराखंड के लोगों की भी कहीं ना कहीं से आवाज है, उत्तराखंड की उस आवाम की आवाज है जो रोजगार चाहती है, जो काम चाहती है, उस नौजवान की आवाज है जो काम की तलाश में है। विद्युत परियोजनाओं के बंद करने का विरोध किया है विजय बहुड़ा ने, जबकि अपने आप में ये एक बड़ा कदम है विजय बहुड़ा का, क्योंकि चार मुख्यमंत्री जो और थे अन्य राज्यों के, वो लगातार इस बात पर अड़े हुए थे कि जो विद्युत परियोजनाएं हैं उनको बंद कर दिया जाए। वजह यह है कि गंगा की अविरलता का वो नाम ले रहे हैं, कह रहे हैं कि गंगा की अविरलता इससे बाधित हो रही है। पहले देखिए ये रिपोर्ट क्या कुछ रहा आज की इस बैठक में। जिन परियोजनाओं पर खर्च हो चुके हैं करोड़ों रुपए, जिन परियोजनाओं पर शुरू हो चुका है काम, उन्हें किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए बंद, क्योंकि उत्तराखंड के विकास के लिए बिजली परियोजनाएं है जरूरी। राज्य की माली हालत सुधारने के लिए अहम भूमिका में है बिजली प्रोजेक्ट, इसलिए केंद्र सरकार अविलंब हटाए लोहारी नागपाला, पाला मनेरी और भैरव घाटी प्रोजेक्टों पर लगी रोक। राष्ट्रीय गंगा प्राधिकरण की बैठक में मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा कुछ इसी अंदाज में बोले। शायद ये खबर बैठक से कन्नी काटने वाले जीडी अग्रवाल को सदमे में डालने वाली हो सकती है, क्योंकि वो लड़ रहे हैं गंगा की अविरलता का आंदोलन। वो कर रहे हैं उत्तराखंड में गंगा बेसिन पर बन रही सभी बड़ी बिजली परियोजनाओं को बंद करने की मांग। लेकिन बहुगुणा के तेवरों ने जीडी अग्रवाल के इरादों पर पानी फेर दिया है। इस अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक में एक तरफ बहुगुणा थे तो दूसरी तरफ पर्यावरण और धर्म के नाम पर गंगा की अविरलता की हिमायत करने वाले प्रतिनिधि। उनके सुर में सुर मिला रहे थे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, यूपी के सीएम अखिलेश यादव, पश्चिम बंगाल की सीएम के प्रतिनिधि और झारखंड के मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा। मगर गंगा के नाम पर उत्तराखंड की महत्वाकांक्षी बिजली परियोजनाओं की बलि मांगने वाले तमाम सदस्यों की मांग के बावजूद सीएम बहुगुणा अकेले ही लोहा लेते रहे। उन्होंने दो टूक शब्दों में अपने इरादे जाहिर कर दिए कि उत्तराखंड की जनभावनाओं की मुखालफत नहीं कर सकते, क्योंकि उत्तराखंड के लोगों को भी उच्च जीवन स्तर और तरक्की का अधिकार है, उस अधिकार की वे अवहेलना नहीं कर सकते। उन्होंने बैठक में सवाल भी दागा कि जिन परियोजनाओं को पर्यावरणीय स्वीकृति मिल चुकी है उन्हें बंद करने का क्या औचित्य है। बहुगुणा ने ऐसी तमाम परियोजनाओं को दोबारा चालू करने की मांग की। बहुगुणा का ये भी कहना था कि विशेषज्ञों पर छोड़ देना चाहिए कि नदियों की अविरलता, निरंतर प्रवाह और जनजीवन के लिए कितना पानी छोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने इसके लिए प्राधिकरण को अपनी एजेंसी के माध्यम मॉनिटरिंग कराने का भी सुझाव दिया। जहां तक धार्मिक अवसरों पर अधिक जल की आवश्यकता का सवाल है तो कुछ समय के लिए बिजली उत्पादन रोककर उसकी भरपाई की जा सकती है। बहुगुणा ने प्राधिकरण की परियोजनाओं के बजट में केंद्र और राज्य के अंशदान को 70:30 के बजाय 90:10 करने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि चालू और रखरखाव व्यय के लिए सहायता अवधि को 5 साल से बढ़ाकर
15 साल कर देना चाहिए। राज्य की नदियों में खनन को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि चुगान न होने से नदियों की गहराई कम हो जाएगी, जिससे निचले इलाके में बाढ़ का खतरा पैदा हो सकता है। बहुना यही नहीं थमे, उन्होंने गौमुख से उत्तरकाशी तक 135 किलोमीटर के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किए जाने पर भी कड़ा एतराज जताया। उनका कहना था कि इस जोन में 118 गांव हैं, जिनमें 1 लाख से ज्यादा आबादी बसर करती है, ये सभी अपने हक हकूक से वंचित हो सकते हैं। साधु संतों के दबाव में बिजली प्रोजेक्टों को गंवाने वाले पूर्व मुख्यमंत्रियों की तुलना में विजय बहुना ने ज्यादा मजबूत इच्छा शक्ति का परिचय दिया है। शायद बहुना उत्तराखंड के जनमानस की नब्ज टटोल चुके हैं, जो चाहती है कि कम से कम उन प्रोजेक्टों को बंद नहीं किया जाना चाहिए जिन पर काम शुरू हो चुका है। यही वो कारण है जिनसे बहुना को बिजली परियोजनाओं के पक्ष में मजबूती से खड़े होने की ताकत मिलती है। स्पेशल डेस्क नेटवर्क 10। तो 4 मुख्यमंत्रियों से अकेले लोहा लेते रहे विजय बहुना। तमाम मुद्दों पर बातचीत जारी रखेंगे। सबसे पहले जयसिंह रावत जी से हम जानना चाहेंगे। जयसिंह रावत जी, आज जिस तरीके के तेवर विजय बहुना ने दिखाए हैं, क्या मानते हैं, ये महज सियासी तेवर हैं या फिर उत्तराखंड की आम आवाम की आवाज है? क्या वाकई में जो आज कुछ कहा है विजय बहुना ने, ये जरूरी है? ये वास्तव में आम आदमी की आवाज उन्होंने आज उस बैठक में की है, लेकिन मेरा मानना है कि और प्रिपेयर होमवर्क करके चले जाते तो और अच्छी बात होती है। हर कोई कहता है, ये कहते हैं, ये शौकिया जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं कहते हैं बंद कर दो, लेकिन विकल्प क्या है? विकल्प नहीं देते हैं। चलो सब सारे प्रोजेक्ट बंद हो जाएंगे, बिजली बंद हो जाएगा तो फिर बिजली कहाँ से आएगी? क्या बिहार वाले भी कहते हैं, हर स्टेट, यहाँ भी पहले पिछली सरकार वाले कह रहे थे हमने ये बंद कर दी, पाला मनेरी और भैरव घाटी बंद कर दी, अब हमको कंपनसेट करने के 2000 मेगावाट। अरे केंद्र सरकार कहाँ से बिजली लाएगी? जब उत्तराखंड में अगर बिजली पैदा नहीं होगी, पन बिजली पैदा नहीं होगी तो कहाँ होगी? दूसरी बात ये थी कि जो हाइड्रो पावर है, इसको कहते हैं दिस इज क्लीनेस्ट, सेफेस्ट एंड चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, इसके बारे में कहा जाता है। तो मुख्यमंत्री जी को इन के साथ जाना चाहिए था। जैसे अभी लोहारी नाग वाला पर 600 करोड़ रुपया किसका सरकार, भारत सरकार किसकी सरकार है, वो खर्च हो रखा है। और वो जो ट्रीट नहीं, जो सुरंगें बनी हुई हैं, आपको पता है सुरंग हॉर्स शू टाइप की होती हैं, घोड़े की नाल की जैसी होती है, और उसको बोल्टिंग की जाती है ताकि लूज नीचे ना आ जाए। बोल्टिंग के बाद फिर उसको लाइनिंग होती है, फिर सीमेंट कंक्रीट से उसमें जैसे लेंटर पड़ता है ऊपर से, इस तरह से उसको पक्का किया जाता है। वो खाली कच्चे बहुत पहाड़ों पे छेद करके छोड़ दिया आपने कहा कि भाई इसको कर दो, वो बंद कर दिया। सवाल ये है कि ये बोलना चाहिए था कि भाई हमको ये है क्यों आई हमारी, आप ये बताएं, पहले पूरे राष्ट्र को, पूरा देश बिजली डिफिसिट से कर रहा है जी। और अगर बिजली पैदा नहीं होगी तो आप ये समझिए कि वो न्यूक्लियर पावर का तब आया था, संसद में कितना बवाल उठा आपको पता है, उसमें कहा कि अमेरिका साथ चले गए, गिरवी हो गए, है ना, वो भी आपने नहीं करना है, ठीक है। आपको पता है जो थर्मल है, तापीय बिजली कहते हैं, ये सबसे ज्यादा पॉल्यूटेंट है, बिल्कुल है ना। आप आवाज अभी भी हाल ही में उठने लगी थी। आप ये देखियो कि वो फ्लाई एश जो उड़ती है पहाड़ों में इस तरह से उड़ेगी, आप ये बोलो ना, ये इस तरह से होगा। आप ये सोचिए कि हमारा स्टेट जब बना था उसमें 9 मिलियन यूनिट खपत थी, ठीक है ना, उसके बाद आया, इंडस्ट्रीज लगी हैं और डेवलपमेंट हुआ, सब ठीक हुआ, तो आज करीब 28-29 मिलियन यूनिट खपत है, डिमांड है इतनी। और हमारे जितने 9-10 बड़े पावर हाउस हैं, क्योंकि वो 30-35 साल के हो गए हैं, उनका मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ, इन सरकारों का ध्यान नहीं है उस तरफ, उनका रिन्यूअल नहीं हुआ, उनका रिनोवेशन नहीं हुआ, ये तो उस वजह से उनकी जो कैपेसिटी है, जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, जैसे कि आपने सबने कह दिया सब टेरी बांध का 2400 मेगावाट, तो 2400 मेगावाट थोड़ी बिजली पैदा करती है, 4 मशीनें थोड़ी चलती हैं, अभी 1000 मेगावाट की 4 मशीनें थोड़ी चले, वो पानी होगा तभी तो चलेगी, तभी चले। तो इस तरह से इनको बिल्कुल तैयारी करके, अब ये उस समय जो है हमारी डिमांड का 1200-1300 मिलियन यूनिट पैदा नहीं हो रही है, हम कह रहे हैं सब केंद्र सरकार को आप भी हमको दीजिए, तो केंद्र सरकार कुछ भी दे रही, उसके बाद फिर करने लगे हैं, पावर कट होने लगे हैं। ये तो आप राजधानी में बैठे हुए हैं, बाहर का क्या हालत होगा आप देख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तमाम ऐसे इलाके हैं जहां बिजली नहीं मिल पाती है। एंड लिसन, यहां इंडस्ट्री क्यों लगी अचानक? इसलिए लगी, यहां चीपेस्ट बिजली थी, अनइंटरप्टेड बिजली थी, बाहर से स्टेट से आए, जैसे फर्नेस आ गई इधर उधर से, पंजाब ने क्यों किया एतराज तब किया कि सारी इंडस्ट्री यहां आ रही थी, यूपी ने क्यों किया यहां आ रही थी क्योंकि यहां सस्ती बिजली थी, अनइंटरप्टेड बिजली थी, तब आई थी। उससे क्या हुआ, हमारा जीडीपी ग्रोथ बढ़ गया, क्या था क्या क्या हो गया,
हमको जितने एक्साइज ड्यूटी हमको जो केंद्र सरकार के जो भी टैक्स हैं उनमें स्टेट का हिस्सा होता है, इनकम टैक्स जो जितनी इंडस्ट्रीज हैं उनका इनकम टैक्स का हिस्सा मिलता है, हमारा स्टेट तब क्या था आज उसकी आमदनी कितनी है, ये इन चीज़ों से ये सब चीज़ें बेसिक बातें हैं करने के लिए। कोई कहता है सानंद जी कह रहे हैं सब बंद कर दो आप, ये यूपी के अखिलेश यादव क्यों गंगा का मामला है, इसमें राजनीति ज़्यादा है, हिंदुओं को खुश करने वाली बात ज़्यादा है, बल्कि व्यवहारिक बात कम करते हैं। लेकिन केंद्र सरकार का पास कौन सा ऐसा स्टोर है जो बिजली रखी हुई है, उसने तो छिपा के रखी हुई है कि रखी हुई है कि आके जब जब जितना आप मांगेंगे स्टेट को दे देंगे, कहाँ से दे देंगे वो। अगर होमवर्क को अलग कर दें तो आप मानते हैं कि आज जो कुछ भी विजय बकुड़ा ने कहा है बहुत अच्छा किया, 100% नंबर, यस सर 100%। धीरेन शर्मा जी, कब 90 तो मैं दे ही दूंगा। धीरेन शर्मा जी आपसे जानना चाहेंगे, एक तरफ संत हैं, दूसरी तरफ विद्युत परियोजनाएं हैं, असंत नहीं है ना? नहीं नहीं, उन्हें हम असंत नहीं कह सकते, एक तरफ संत हैं दूसरी तरफ विद्युत परियोजनाएं हैं, लगातार संत ये कह रहे हैं कि विद्युत परियोजनाओं की वजह से जो गंगा की अविरलता है वो प्रभावित होती है। आम जनता भी जानना चाहती है, तमाम लोग जानना चाहते हैं, पूरा देश जानना चाहता है कि दरअसल अविरलता है क्या, वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर अगर इसे हम कहना चाहें तो अविरलता है क्या। एक तो सबसे पहले तो मैं आपसे सहमत हूँ, मैं बहुगुणा जी को बधाई देना चाहता हूँ, भाई पहली बार केंद्र के सामने उन्होंने अपनी स्थिति रखी, बिल्कुल दोगुना बात बिल्कुल नहीं की, कोई पॉलिटिक्स नहीं खेली उन्होंने, लेकिन एक बहुत बड़ी अस्मिता के साथ उन्होंने रखा कि अपनी बात को रखा, अपने बात हमारे हमारे राज्य की बात को रखा और राष्ट्र के हित को रखा। हमारे सामने उत्तराखंड की जो विशेष स्थिति है वो प्रश्न ये नहीं आए कि संत क्या कह रहे हैं, वो 5000 वर्ष से कहते आए हैं जो कहते हैं क्या कि गंगा जो है पतित पावनी है, पाप धो देती है, मुक्ति दिलाती है, तो भाई ये शब्द हम सुनते आए हैं। अगर यही शब्द हैं और ये वास्तविक सत्यता हो तो कोई समस्या है नहीं, फिर पानी गंदा क्यों हो गया, गंगा जी प्रदूषित कैसे हो गई भाई, पानी सूखने कैसे लगा। तो आपने जो प्रश्न किया ना कि अविरल बात जो है इसको बड़ा स्पष्ट हमें देखना होगा। आज ऐसा तो नहीं कि पहली बार हम गंगा जी के पानी को कुछ छेड़ रहे हैं, पुराणों में लिखा हुआ है भगीरथ, इसका नाम ही भगीरथ ही रखा गया, 60,000 लोग को पानी पिलाने के लिए भगीरथ ने गंगा को मोड़ दिया किया ना। आज हम कह रहे हैं 60,00,000 नहीं, 60,000 नहीं भाई, 60 करोड़ देश की जनता को पानी चाहिए। तो पानी की व्यवस्था आज आपने कहा ना इंडस्ट्री की बात, इंडस्ट्री के लिए आपको बिजली चाहिए और पानी भी चाहिए, अगर 1000 मजदूर काम करेगा तो उनको पानी पिलाएंगे कि नहीं, फिर 1000 मजदूरों के परिवार को पानी चाहिए कि नहीं। अब ये 21वीं सदी में हम बैठे हैं, ये वो युग नहीं है जब हम माँ बहनें जो हैं घड़ा लेके चली जाती थी झरने पर पानी लाने, तो सुबह के 2 घंटे खराब होते थे दिन के पानी की सप्लाई लाने के लिए। आज हमारी माँ बहनें जो हैं काम कर रही हैं, फैक्ट्रियों में भी हैं, दफ्तरों में भी हैं, स्कूल कॉलेजों में हैं, अस्पतालों में हैं, क्या कितना पानी आपको चाहिए। फिर अगर न्यूयॉर्क और शिकागो के अंदर 200-200 मंजिल के मकानों के अंदर 24 घंटे और 12 महीना अनइंटरप्टेड बिना अविरल जल प्रवाह है, पीने का भी है और नहाने का भी है, खाने बनाने का भी है, तो मैं कहता हूँ हमारे